हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप सब अच्छे होंगे। तो कल हमने किया था फर्स्ट सम, आज हम देखेंगे इसका सेकंड सम। तो बच्चों, कल हमने जाना था, क्या जाना था? इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम जाना था। तो आज हम क्या जानेंगे? इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट। तो समझिए, ध्यान से समझना बच्चों, क्या होता है इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट। यस, देखिए सबसे पहले क्या आता है? वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, टेन थाउजेंड। वहाँ पे इंडियन में क्या होता था? 10,000। बट इसमें 10,000 के बाद भी आता है, क्या आता है? 100,000। समझ आया? इसके बाद मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन हो जाएगा। वंस अगेन, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन हो गया। तो अब बेटा ये ध्यान से समझना, इन तीनों को क्या लिखते हैं? वंस। इन तीनों को क्या लिखते हैं? वंस। ये आपको पहले भी बताया मैंने। अब देखना, ये वंस है तो ये क्या है? थाउजेंड है। सब में देखना, थाउजेंड, 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 ये तीनों में थाउजेंड आता है ना, तो इसको क्या नेम देंगे हम? थाउजेंड्स। क्या देंगे? थाउजेंड्स हो गया, इनको थाउजेंड दिया। अब देखो, इसमें थाउजेंड आता है तो हमने थाउजेंड्स नेम दे दिया उसको। इसमें क्या आता है? मिलियन। इसमें भी मिलियन, इसमें भी मिलियन, तो इसको क्या नेम देंगे? मिलियंस। क्या देंगे? मिलियंस दिया। वंस अगेन समझ लो, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। ये हो गया याद अच्छे से। अब याद होने के बाद ये याद है होना चाहिए, इन तीनों को वंस, जिसमें थाउजेंड आते हैं तीनों में उनको क्या बोलेंगे? थाउजेंड्स। जिसमें मिलियन आते हैं तीनों में उसको क्या बोलेंगे? मिलियंस। समझाया? अब कॉमास कैसे लगेंगे? तीन अलग यहाँ लगा दो, जहाँ पे थाउजेंड स्टार्ट होता है वहाँ कॉमा लगा दो, इसके बाद क्या स्टार्ट होता है? मिलियन। कब होएगा? यहाँ पे, तो यहाँ क्या आ जाएगा? कॉमा। समझ आया नहीं आया? वंस अगेन समझ लो, तीन तीन तीन, इसमें क्या है? कितने का गैप है? थ्री का गैप। समझ आया नहीं आया? वंस, टेंस, हंड्रेड कोमा, थाउजेंड, 10,000, 100,000 कोमा। अच्छे से आया समझ? वंस अगेन ले लो, क्या है? वंस, टेंस, हंड्रेड को क्या बोलेंगे? वंस, थाउजेंड, 10,000, 100,000 को क्या बोलेंगे? थाउजेंड्स। देखो बच्चों, अब जब हमने चेंज किए ये, तो वहाँ के बीच में क्या आ गया? कॉमास। अब मिलियन आ गया आगे, तो इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा? कॉमा। समझ आई है नहीं आई बात? तो इसका हम सेकंड सम देखेंगे। अब इसमें हमने क्या लगाना है? कॉमास। अब 48517, फर्स्ट क्या है? 48517। सबसे पहले इसकी प्लेस वैल्यू लिखो ऊपर, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000 बन गई। अब मैंने बताया तीन के बाद कोमा लगाना है। देखो, वंस, टेंस, हंड्रेड के बाद मैंने क्या लगाया है? कोमा। क्यों? क्योंकि क्योंकि यहाँ पे क्या स्टार्ट हो गया? थाउजेंड हो गया ना। तो अब यहाँ देखो, वंस, टेंस, हंड्रेड, अब यहाँ थाउजेंड स्टार्ट हो गया, तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे? कोमा। अगर ये याद होता है तो ठीक है, वरना याद ये रखो, तीन तीन तीन, मतलब तीन तीन के गैप के बाद हमने क्या लगा देना है? कोमा। एक दो तीन हो गए ना, तीन, तो हमने क्या लगा दिया यहाँ पे? कोमा। अब नेक्स्ट सम देखिए, 932429। अब यहाँ देखो, सबसे पहले प्लेस वैल्यू, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, 100,000 हो गया। अब क्या बोला था मैंने? जब थाउजेंड स्टार्ट हो जाए, यहाँ पे क्या होता है? इन दोनों को वंस, तीनों को वंस, एक दो तीन, इन तीनों को हम क्या बोलते हैं? वंस। इन तीनों को क्या बोलते हैं? थाउजेंड्स। मैंने बोला था जब भी थाउजेंड स्टार्ट हो जाए तो क्या लगा दोगे? कोमा। तो वंस, टेंस, हंड्रेड, इन तीनों को वंस बोलते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? कोमा हो जाएगा। ऐसे ये आगे सम है हो जाएंगे। अब देखो थर्ड सम में, राइट द नंबर नेम,
नेम लिखने इन इंडियन सिस्टम, मतलब वर्ड्स में लिखने हैं हमने, तो वर्ड्स में लिखने हैं। तो प्लेस वैल्यू समझाई थी मैंने, समझाई थी ना, प्लेस वैल्यू क्या होती है इंडियन सिस्टम की, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, टेन थाउजेंड, लैक, है या नहीं है, लैक होती है। इसमें हंड्रेड थाउजेंड तो नहीं होता, इसमें क्या होता है, लैक आ जाता है, आता नहीं आता, तो लैक आ जाता है। तो क्या है, 53125 लिख दो, 53125। अब 53 किन के नीचे है, इन दोनों को हम क्या बोलते हैं, थाउजेंड बोलते हैं, इनको क्या बोलते हैं, वंस, तीनों को बोलते हैं ना वंस, तो वंस है, तो 53125, 53125, समझ गए, यस, हो जाएगा ये दो सम। आगे क्या है, इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू में लिखना है आपको, किस में लिखना है, इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू में, आपको समझाया वही बात, 412351। ये बच्चों आप मुझे ये अपने आप करके दिखाएंगे, ठीक है, अगर ये होएगा आपसे तो ठीक है, वरना ये मैं आपको कल समझाऊंगी, ओके।